अस्सलाम वालेकुम। पहले रिवाइज कर लेते हैं कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या क्या चीज़ देखी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द गैसेस एक्सचेंज, जिसकी हमने डेफिनेशन बता दी थी। दैट गैसेस एक्सचेंज में क्या होता है कि दो गैसेस आपस में एक्सचेंज हो रहे होते हैं। कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऑक्सीजन इन हो रहा होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड आउट हो रहा होता है, और कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इन हो रहा होता है एंड ऑक्सीजन आउट हो रहा होता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया अबाउट द गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। उसमें ये बताया कि गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स के लिए जो ऑर्गन मौजूद होता है दैट इज नोन एज स्टोमेटा, और प्लांट्स के अंदर डे टाइम के दौरान जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को इन करते हैं, और रात के टाइम में ये कार्बन डाइऑक्साइड को आउट कर देते हैं। यानी इन प्लांट्स डे टाइम के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इन होता है और इन नाइट टाइम ऑक्सीजन इन हो रहा होता है। ओके उसके बाद हम लोगों ने डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन देखा था। फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिक है, यानी कि स्मॉल कंपोनेंट्स आपस में कंबाइन होके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स तैयार करते हैं, वाइल रेस्पिरेशन इज कैटाबॉलिक, यानी कि इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल होता है वो ब्रेक डाउन होके स्मॉल पार्टिकल्स बन जाते हैं। फोटोसिंथेसिस के अंदर फूड तैयार होता है, यानी सिंथेसिस ऑफ फूड हो रहा होता है, जबकि इन रेस्पिरेशन फूड का ब्रेक डाउन हो रहा होता है। फोटोसिंथेसिस में लाजमी लाइट एनर्जी की ज़रूरत होती है, जबकि रेस्पिरेशन में लाइट एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। फोटोसिंथेसिस सिर्फ प्लांट्स के अंदर होते हैं, जबकि रेस्पिरेशन तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहे होते हैं। फोटोसिंथेसिस की शुरुआत के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ज़रूरत होती है, जबकि रेस्पिरेशन की शुरुआत के लिए ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत होती है। फोटोसिंथेसिस एक जब पूरा कंप्लीट हो जाता है केमिकल रिएक्शन उसका, तो वो आखिर में ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है, और रेस्पिरेशन के अंदर जब केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करता है। फोटोसिंथेसिस सिर्फ डे टाइम में होता है, रेस्पिरेशन पूरा वक्त हो सकता है, दिन के किसी भी हिस्से में वो टेक प्लेस कर रहा होता है। फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल का होना बहुत ज़रूरी होता है, और रेस्पिरेशन के लिए क्लोरोफिल की ज़रूरत नहीं होती। क्लोरोफिल की गैर मौजूदगी में भी रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो सकता है। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया स्टोमेटा के बारे में। स्टोमेटा वो पार्ट ऑफ प्लांट है जिसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज हो रहा होता है। स्टोमेटा का सिंगुलर फॉर्म है स्टोमा, जो एक ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है जिसका मतलब है माउथ। ओके सो जो स्टोमेटा होता है इट्स मेड अप ऑफ टू स्पेशल सेल्स, और दो स्पेशल सेल्स का नाम है गार्ड सेल्स। दो गार्ड सेल्स एक वन स्टोमेटा तैयार करता है। स्टोमेटा के पास क्लोरोफिल मौजूद होता है, दे हैव थिकर इनर पार्ट एंड थिनर आउटर पार्ट, यानी उनका जो बाहर वाला हिस्सा होता है वो बहुत ज़्यादा पतला होता है, और जो अंदर वाला हिस्सा होता है दैट इज़ अलॉट थिकर देन। इसकी जो डिपेंड कर रही होती है ओपनिंग एंड क्लोजिंग अपॉन द टर्जिडिटी, यानी कि पानी की मकदार कितनी है ड्यूरिंग डे टाइम। दिन के टाइम में क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चल रहा होता है, तो उनको कलेक्शन करनी होती है, एक्यूमुलेशन करनी होती है पूरे केमिकल कंपाउंड्स की, तो इसलिए टर्जिडिटी इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद क्या, उसकी वजह से क्या होता है, जब टर्जिडिटी इंक्रीज हो जाती है तो स्टोमेटा ओपन हो जाता है। इसके अलावा क्या होता है स्टोमेटा के थ्रू के कार्बन डाइऑक्साइड डे के टाइम में वो अंदर ले रहे होते हैं, और रात के टाइम में जो है वो ऑक्सीजन को अंदर ले रहे होते हैं। एंड देन वी हैव गैसेस एक्सचेंज इन एनिमल्स। उसके अंदर क्या होता है कि जो एनिमल्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज होता है उसका मेन मकसद होता है रेस्पिरेशन, यानी रेस्पिरेशन की वजह से हम लोग गैसेस एक्सचेंज करते हैं। रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में खाना को तोड़ा जाता है ताकि उसमें से हम एनर्जी हासिल कर सकें, तो उस रेस्पिरेशन की वजह से हम लोग गैसेस एक्सचेंज कर रहे होते हैं। अब जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, जो पानी के अंदर मौजूद होते हैं एनिमल्स, तो वो ऑक्सीजन वाटर से ही लेते हैं, और वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन मौजूद होता है दैट इज़ 5%। इसी तरीके से जो ज़मीन में एनिमल्स रहते हैं, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, वो एयर से लेते हैं ऑक्सीजन, और एयर के अंदर जो ऑक्सीजन होता है दैट इज़ 21%। यानी कि सराउंडिंग से चाहे एनिमल प्लांट में, चाहे एनिमल पानी में रह रहा हो या ज़मीन में रह रहा हो, अपने सराउंडिंग से ही ऑक्सीजन को हासिल कर रहा होता है।
अब हम स्पाइटी सरफेस की बात कर लेते हैं। स्पाइटी सरफेस के पास चार प्रॉपर्टीज होना लाजमी होती है ताकि स्पाइटी सरफेस जो है वो फंक्शन सही से कर सके। नंबर वन, थिन, पतला उसका होना चाहिए लेयर ताकि जो गैसेस हैं वो इन एंड आउट आसानी से हो सकें। वेट, गीला होना चाहिए उसकी वजह से। एंड देन थ्री, परमिएबल यानी कि इन एंड आउट का जो प्रोसेस है यानी तमाम जो प्रॉपर्टीज हैं वो सब डिफ्यूजन को आसान बनाने के लिए प्रॉपर्टीज चाहिए होती हमें सारी। फिर यहाँ पे उन्होंने बता दिया प्रोपोर्शन में कि हमारी जो लंग्स है उसका जो रेस्पिरेटरी सरफेस है दैट इज 20 times greater than the size of the body, okay? Respiratory surface in the sense के एक जगह में कितने cells मौजूद हैं, यानी जो हमारे alveoli हैं उनका shape इस तरह से गोल मटोल है, तो उस वजह से क्या होता है कि वो थोड़ी सी जगह में बहुत सारे जो tissues हैं हमारे वहाँ पर मौजूद होते हैं ताकि हमारा जो respiration का process है वो आसानी से speed में हो सके। ओके, तो इसी वजह से जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है टू सप्लाई ऑक्सीजन एंड टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड वो बहुत ज़्यादा फास्ट जाता है। उसके बाद वी डिस्कस्ड अबाउट लंग्स के लंग्स सॉफ्ट होते हैं, दे आर स्पंजी यानी उसके अंदर होल्स होते हैं ताकि डिफ्यूजन होल्स यानी बड़े वाले होल्स की बात नहीं कर रहे हम, उसके अंदर बहुत छोटे से पोर्स होते हैं जो डिफ्यूजन में मदद कर रहे होते हैं। दे आर पिंकिश इन नेचर इन अपीयरेंस यानी अगर हेल्दी लंग्स होंगे तो दे विल बी पिंकिश, इफ दे आर स्मोकर्स लंग तो ब्लैक एंड ब्राउनिश हो सकता है। उसके इर्द गिर्द टू लेयर्स होते हैं और उनको कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन्स, और उन प्लूरल मेम्ब्रेन्स के बीच में एक फ्लूइड होता है दैट एक्ट्स लाइक अ लुब्रिकेंट। और लंग्स क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा नाजुक होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए एक बोनी केज होता है जो 12 पेयर्स ऑफ रिब्स से बना हुआ होता है, और जो उसके नीचे और रिब्स की जो हड्डियाँ हैं उनके बीच में इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं, यानी ये दो चीज़ें हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। हमारे लंग्स के नीचे एक मसल्स होते हैं, मसल का एक लेयर होता है दैट इज नोन एज डायफ्राम, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के यानी लंग्स सॉरी जो स्टमक लिवर इन सब से सेपरेट कर रहा होता है। एंड ईच लंग इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ एल्वोइली यानी कि उसके अंदर बहुत सारे एल्वोइली मौजूद होते हैं जो कि हमारे सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में मदद कर रही होती है। उसके बाद आता है हमारे पास ट्रेकिया। ट्रेकिया के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले जो एंट्रेंस होता है हमारे पास दैट इज नोन एज एपिग्लोटिस, यानी कि हमने कल भी बताया था आपको दैट हमारे गले के आप अगर अंदर देखेंगे तो आपको एक गोश का टुकड़ा जो है लटकता हुआ नजर आएगा, दैट लिड इज कॉल्ड एपिग्लोटिस। और फिर उस जो एंट्रेंस होती है उसको ग्लोटिस कहते हैं। जैसे आप इंटर करेंगे उस पाइपलाइन में एपिग्लोटिस को क्रॉस करते हुए तो हमारी जो साउंड बॉक्स है वो हम आपको नज़र आएगी लैरिंग्स, यानी कि अगर आप अपने नेक पे भी हाथ लगाएंगे फ्रंट साइड से तो आपको एक मूवमेंट वाइब्रेशन टाइप की महसूस होगी दैट इज़ नोन एज लैरिंग्स। यहाँ से आवाज़ निकल रही होती है, उसके बाद जाके पूरा ट्रैकिया स्टार्ट हो रहा होता है। जो ट्रैकिया है वो स्टार्ट होता है वो पूरा कंटिन्यू करता है नीचे तक, एंड व्हेन इट रीचेस द लंग्स वो दो हिस्सों में बढ़ जाता है, एक लेफ्ट में चले जाता है एक राइट में चले जाता है। दैट ट्यूब इज नोन एज ब्रोंका, यानी कि ब्रोंक जो ट्रेकिया है वो बायफर्केट हो जाता है, दो हिस्से में बढ़ जाता है इनटू ब्रोंका। और जो ब्रोंका है उसके इर्द गिर्द जो है एक सी शेप के बोन से कार्टिलेजेस से रिंग्स बने हुए होते हैं उसके प्रोटेक्शन के लिए। और फिर जो ब्रोंका है फिर जो लंग्स के अंदर एंटर कर जाता है तो उसके अंदर और भी ज़्यादा छोटे ट्यूब्स बन जाते हैं दैट इज़ नोन एज ब्रोंक्योल। और हर ब्रोंक्योल के एंड में बहुत सारे मिलियंस ऑफ एयर सैक्स मौजूद होते हैं दैट इज़ एल्वोइली। यहाँ तक हम लोगों ने कल कवर किया था। ओके, सो आज जो हमारा टॉपिक है दैट वुड बी प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, यानी ब्रीथिंग के अंदर क्या क्या प्रोसेस इंक्लूड होते हैं। ब्रीथिंग के अंदर हमारे पास मेनली टू फेजेस होते हैं, टू पार्ट्स होते हैं, वन इज इंस्पिरेशन एंड सेकेंड इज एक्सपायरेशन। इंस्पिरेशन बेसिकली ये होता है कि जो हम लोग ऑक्सीजन को इन कर रहे होते हैं तो इन करने की वजह से क्योंकि लंग्स भर जाता है तो लंग्स फूल जाता है और डायफ्राम में प्रेशर पड़ता है और डायफ्राम नीचे की तरफ चला जाता है। इसी तरीके से जब हम लोग उसमें से ऑक्सीजन को जब इन कर चुके होते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे होते हैं तो उसको क्या होता है लंग्स जो होता है वो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड खाली हो जाता है तो लंग्स थोड़ा सा फुस हो जाता है, पूरा सुखड़ जाता है, जिसके वजह से डायफ्राम अगेन अपने नॉर्मल लाइन में पहुँच जाता है। सो बेसिकली क्या है हमारे पास दैट ब्रीथिंग स्टार्ट्स विद इंस्पिरेशन,
It is a process through which atmospheric air is directed through the air passageways up to the alveoli in the lungs. यानी कि जो atmospheric air में oxygen मौजूद है, वो पूरा air passageway trachea से गुजरते हुए कैसे वो alveoli तक पहुंचता है पूरे process में, ये पूरा inspiration के अंदर आता है. अब उसकी वजह से क्या होता है कि volume of thorax यानी कि हमारा जो lungs और chest है वो उसका increase हो जाता है, size volumes की increase हो जाती है, जिस वजह से क्या होता है कि हमारा जो lungs है gets expanded in this way. तो हमारे जो लंग्स की साइज है क्योंकि उसके अंदर हवा भर जाती है ऑक्सीजन की, तो वो एक्सपेंड हो जाता है, बड़ा हो जाता है. एंड देन एक्सपायरेशन, इट इज जस्ट द रिवर्स ऑफ इंस्पिरेशन, यानी कि इंस्पिरेशन का उल्टा होता है. इसमें क्या होता है, द एयर मूव्स आउट फ्रॉम द लंग्स, लंग्स में जितनी भी हवा होती है वो बाहर आती है, तो इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम आर रिलैक्स. अब क्योंकि जो है लंग्स के अंदर हवा नहीं है तो वो सुखड़ जाता है, तो जो इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं जिसमें दबाव आ रहा होता है फूलने की वजह से, वो वापस अपने ओरिजिनल जगह पे पहुंच जाता है, और डायफ्राम क्योंकि नीचे चले जाता है हवा की मौजूदगी की वजह से, तो वो वापस ऊपर अपनी जगह पे आ जाता है. देखिए, तो यहाँ पे उन्होंने दिखा दिया कि ये क्या होता है, कि देख लें आप यहाँ पे ब्रीथिंग इन में इंस्पिरेशन में क्या हो रहा है कि इन्होंने एरो दिखा दिया कि डायफ्राम नीचे की तरफ जा रहा होता है, क्योंकि हवा इसके अंदर जा रही है, तो उससे क्या हो रहा है कि जो ऑक्सीजन जो डायफ्राम है वो नीचे की तरफ उसका दबाव पड़ रहा है. जब एक्सपायरेशन में क्या होगा कि क्योंकि हवा बाहर निकाल रहे होते हैं तो डायफ्राम जो है अपने ओरिजिनल शेप में रिटर्न कर लेता है. तो दिस इज इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन. एंड देन वी हैव गैसेस एक्सचेंज इन अल्वॉयली. अब जैसे आप लोगों ने पूरा प्रोसेस देखा अभी कि हमारा जो ब्रीथिंग का सिस्टम है वो किस तरीके से होता है, कि वो माउथ से इंटर होता है, एपिग्लोटिस को पास करते हुए ग्लोटिस जो एंट्रेंस है उसमें इंटर होता है, फिर वो हमारे साउंड बॉक्स जो है लैरिंग्स के अंदर जाता है, एंड देन ट्रेकिया को इंटर होता है, ट्रेकिया दो बायफर्केट होके ब्रोंकाई बनाता है, ब्रोंकाई जब लंग्स के अंदर इंटर होता है ब्रोंक्यूल्स बनते हैं, एंड ब्रोंक्यूल्स के एंड में अल्वॉयली होते हैं. तो यानी ऑक्सीजन की मेन जो डेस्टिनेशन है दैट इज अल्वॉयली. अल्वॉयली क्या करता है, जब वहाँ पे ऑक्सीजन पहुँच जाता है तो आरबीसीज के अंदर जो हेमोग्लोबिन होते हैं वो उसमें से ऑक्सीजन ले लेता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो वापस अल्वॉयली में डाल देता है. अल्वॉयली में जब कार्बन डाइऑक्साइड इंटर हो जाता है तो वो क्या करता है, वापस उसको फिर अल्वॉयली ब्रोंक्यूल तक पहुँचाता है, ब्रोंक्यूल ब्रोंकाई तक पहुँचाता है, ब्रोंकाई ट्रेकिया तक पहुँचाता है, ट्रेकिया फिर साउंड बॉक्स तक पहुँचाता है, लैरिंक्स तक, लैरिंक्स फिर ग्लोटिस से बाहर निकाल के हमारे माउथ से या नोज से वो निकाल देता है. सो यानी कि जो मेन गैसेस एक्सचेंज हो रहा होता है वो अल्वॉयली के अंदर हो रहा होता है. इसी तरीके से उन्होंने नीचे दिखा दिया है कंपैरिजन कि जो हम अंदर सांस लेते हैं इंस्पायर्ड जो एयर होता है अंदर, और जो हम लोग बाहर सांस निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो मेनली होता है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं. जब अंदर सांस ले रहे होते हैं तो उसमें ऑक्सीजन तकरीबन 21% मौजूद होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑलमोस्ट 0.03%, और नाइट्रोजन ऑलमोस्ट 79%. वेरिएबल होता है हमारा वाटर वेपर, यानी कि वो हमारे माहौल के हिसाब से जो है, हम अगर कोई ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ नमी ज़्यादा है तो हम जो है नमी ज़्यादा उसके हमारे सांस लेने में जो लेंगे हम ऑक्सीजन लेंगे या सॉरी जो गैस लेंगे वो ज़्यादा होगा, अगर हम ड्राई प्लेस में रह रहे हैं तो वाटर वेपर्स की मिकदार कम होगी. इस तरीके से जो टेम्परेचर होता है वो हमारा जो इंस्पायर्ड जो हम सांस अंदर ले रहे होते हैं उसका टेम्परेचर वही होगा जो हमारे एटमोसफेयर में टेम्परेचर होगा. यानी कि अगर गर्मी का मौसम है तो टेम्परेचर जो होगा अंदर लेने वाले सांस जो सांस अंदर ले रहे होते हैं उसका टेम्परेचर एटमोसफेयर से मैच कर रहा होता है. देन वी हैव द एक्सपायर्ड एयर, यानी कि जब सांस हवा निकाल रहे होते हैं उसमें तकरीबन 16% हमारा ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑलमोस्ट 4%, नाइट्रोजन सेकेंड 79%, क्योंकि हमें नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं होती. वाटर वेपर बहुत ज़्यादा होता है, सैचुरेटेड होता है, जिससे अक्सर आप लोगों ने बचपन में हरकत की होगी कि किसी आईने में या शीशे में जो है ना आप हवा डालते हैं, हाँ करके हवा डालते हैं और फिर जो है उसमें कुछ लिखते हैं, तो आपने नोटिस किया होगा कि वो थोड़ी देर के बाद जो है वो उसमें पानी पानी भी आता है. यानी कि हमारा जो एक्सपायर्ड एयर होता है जो हम हवा निकाल रहे होते हैं उसके अंदर वाटर की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है. एंड अगेन जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा सा गर्म होता है उसका, 37 डिग्री यानी बॉडी टेम्परेचर होता है उसका, तो इसलिए जो है आपने नोटिस करेंगे तो वो जो ठंडे में जो है ना ज़्यादा वो झाग बन जाता है ग्लास के ऊपर. ओके, सो नाउ वी हैव रेट ऑफ ब्रीथिंग एट रेस्ट एंड ड्यूरिंग एक्सरसाइज. इसमें कॉमन सी चीज़ है कि जब आप लोग रेस्ट में हैं नॉर्मली आप सांस ले रहे होंगे तो आपकी जो ब्रीथिंग रेट होगी वो तकरीबन 70 to 75 जो ब्रीथिंग रेट होगी आपकी वो आपकी नॉर्मल होगी, उसमें आपकी सांस में कोई ऊंच नीच नहीं होगी. लेकिन अगर आपको भाग दौड़ के लिए कहा जाए या जंप करने के लिए कहा जाए तो आप बहुत ज़्यादा सांस ले रहे होते हैं.
सो सबसे पहले उन्होंने बताते हैं दैट ब्रीथिंग इज लार्जली एंड इनवॉलेंट्री प्रोसेस, यानी कि आप जानबूझ के ये काम नहीं कर रहे होते, आपके जो ब्रेन होता है उसमें इनवॉलेंट्री यानी कि पहले से फिट हुआ होता है, आप ब्रीथिंग का प्रोसेस वहाँ से कर रहे होते हैं। अब ब्रेन के इट इज़ रेगुलेटेड बाई हाइपोथैलेमस ऑफ आवर ब्रेन, यानी ब्रेन का एक हिस्सा है हाइपोथैलेमस जहाँ पे इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, यानी जिस जो सोचे बगैर जो काम हो रहा होता है वह हाइपोथैलेमस संभालता है। The rate of breathing changes automatically according to the changes in the internal or external conditions. अब जो हमारी breathing की speed होती है वो हमारे conditions के हिसाब से तब्दील होती रहती है, चाहे वो internal हो चाहे वो external हो। यानी कि let's suppose अगर आप जो हैं चल रहे हैं slow walk कर रहे हैं तो आपकी breathing की speed change नहीं होगी, लेकिन अगर आप भाग दौड़ start कर लेंगे तो उसके वजह से आपकी जो breathing rate है increase जाएगी। इसी तरीके से अगर आप पहाड़ी के ऊपर चले चढ़े आएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, आपकी ब्रीथिंग का रेट इंक्रीज जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन जो है पहाड़ के ऊपर बहुत कम होता है, तो आपको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि पहाड़ के ऊपर जो आपकी ऑक्सीजन जो ब्रीथिंग रेट होगा आपका वो आपका इंक्रीज जाएगा। तो वही चीज़ उन्होंने यहाँ पे कह दिया है ड्यूरिंग एक्सरसाइज इट्स रेट ऑफ ब्रीथिंग वुड इंक्रीज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन। थस ग्रेजुअली इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड will cause an increase will cause an increase in his breathing rate. If the exercise condition persists, the muscle cells will start breaking down glucose without oxygen and it is termed as anaerobic respiration. यानी कि let's suppose अब बहुत बड़ी race होती है, let's suppose अभी Olympics चल रहे हैं, तो Olympics में जो 100 meter race होती है, 500 meters race होती है, 100 meter race में let's suppose अगर जो है लगातार इंसान भागे, usually होता नहीं है, बीच में gap का होता है, इसमें वो लोग glucose पिलाते हैं बाकायदा या पानी पिलाते हैं उसमें, तो उसमें क्या होता है कि अगर वो लगातार भागे एंड फॉर सम रीज़न ऑक्सीजन जो है उनके बॉडी में सही मिकदार में नहीं मिल रहा, तो हमारे बॉडी के अंदर जो पहले से ग्लूकोज मौजूद है जो हमारे मसल्स में मौजूद है, तो वो जो है क्या करता है वो ग्लूकोज तोड़ के बगैर ऑक्सीजन के इन ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में तोड़ के उसमें से एनर्जी तैयार करता है, तो इस प्रोसेस को एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो जब ये ग्लूकोज तैयार जब ये ग्लूकोज टूटता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो वो प्रोसेस कहलाता है एनएरोबिक, और उसकी वजह से क्या होता है कि लैक्टिक एसिड वहाँ पे तैयार हो जाता है। यानी अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप जो है न्यूली एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे होते हैं बिल्कुल जब फ्रेश होते हैं तो उससे क्या होता है कि आपके बॉडी मसल्स में पेन होता है क्योंकि आपके मसल्स को आदत नहीं होती इस टाइप की एनएरोबिक रेस्पिरेशन करने की, तो लैक्टिक एसिड हमारे जो मसल्स हैं उसमें जमा हो जाते हैं, जब जमा हो जाते हैं उसके अंदर तो वो लैक्टिक एसिड पैदा करता है। अब लैक्टिक एसिड की वो तेजाब है और नॉर्मली हमारे मसल्स में नहीं होना चाहिए, तो इट कॉसेस पेन एंड क्रैम्प इन नॉर्मल मसल्स, यानी मसल्स के अंदर वो दर्द शुरू कर देता है। इसलिए अक्सर जो है भागने के बाद हमारे पाँव में दर्द होता है, ज़्यादातर थाई वाले हिस्से में पेन हो जाता है। द ब्रेकिंग डाउन ऑफ लैक्टिक एसिड रिक्वायर्स एडिशनल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच इज टर्म एज ऑक्सीजन डेथ, यानी कि जब आप भाग दौड़ ख़त्म कर लेते हैं फिर उसके बाद आप जो है थोड़ा सा नींव पे हाथ रख के झुक के अपना सांस ले रहे होते हैं, तो जितनी ऑक्सीजन चाहिए होती है लैक्टिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाने के लिए ताकि वो वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज नोन एज ऑक्सीजन डेथ। डेथ का मतलब है उधार, ठीक है, तो ऑक्सीजन डेथ जो होता है वो उसको कंप्लीट करना होता है ताकि वो लैक्टिक एसिड को दोबारा से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सके, तो जब तक वो कन्वर्ट नहीं होगा तब तक आपकी पेन जारी रहेगा। द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज ऑब्टेन थ्रू डीप ब्रेथ्स, इसीलिए अक्सर जो एथलीट्स होते हैं उनको बताया जाता है कि भाग दौड़ करने के बाद उनको स्लोली बट डीप ब्रेथ्स लेना होता है, तो उससे क्या होता है उनका जो ऑक्सीजन डेथ होता है वो कंप्लीट हो जाता है, और अगर उनका जो है वो अमाउंट एक्वायर्ड जो अमाउंट है वो कंप्लीट नहीं होता तो लैक्टिक एसिड की वजह से मसल्स के अंदर पेन हो सकता है। नेक्स्ट वी हैव आर्टिफिशियल वेंटिलेटर। ओके, सो आर्टिफिशियल वेंटिलेटर देखते हैं क्या होता है। अक्सर आप लोगों ने न्यूली खासकर कुछ मंथ्स पहले आपने सुना होगा दैट इंडिया के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, तो बेसिकली इसीलिए है क्योंकि जो कोविड वायरस होता है वो हमारे लंग्स पे अटैक कर रहा होता है, इसीलिए जो है जब लंग्स पे वो अटैक कर रहा होता है तो उनकी जो ब्रीथिंग की जो क्या कहते हैं मैकेनिक होता है वो अफेक्ट हो जाता है इनकी, इसलिए सांस लेने में मुश्किलात होता है। और अक्सर आप लोगों ने देखा होगा पेशेंट्स का जिनका सर्जरी हो रहा होता है, जिनका लंग्स का मसला होता है, उनको वेंटिलेटर में डाल दिया जाता है। तो वेंटिलेटर बेसिकली एक तरीके से आप कह सकते हैं इट्स लाइक एन आर्टिफिशियल रेस्पिरेटरी सिस्टम, बल्कि इट्स एन आर्टिफिशियल ब्रीथिंग सिस्टम।
ओके सो लेट्स सी अ मशीन दैट वर्क्स लाइक लंग्स यानी लंग्स का जो काम करता है व्हेन पेशेंट्स नेचुरल ब्रीथिंग बिकम्स डिफिकल्ट यानी जब पेशेंट खुद ही सांस ना ले पाए उसको फिर हम मशीन से कनेक्ट करते हैं एंड दैट इज नोन एज आर्टिफिशियल वेंटिलेटर थ्रू दिस मशीन द ऑक्सीजन रिच एयर इज डायरेक्टली सप्लाई टू द ट्रेकिया यानी कि वो जो है कुछ सिचुएशन में जो है क्या होता है कि वो मुंह के अंदर वो वेंटिलेटर कनेक्ट करते हैं और ज़्यादा अगर सेंसिटिव सिचुएशन है तो उसमें हम क्या करते हैं उसमें डॉक्टर्स क्या करते हैं डायरेक्टली गले में आपके जो नेक वाला हिस्सा है उसमें कट मार के उसमें जो है पूरा वेंटिलेटर वहाँ से कनेक्ट कर रहा है डिपेंड्स ऑन द इंटायरली अपॉन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट्स ठीक है तो उसमें क्या होता है कि वेंटिलेटर कनेक्ट होता है उसके अंदर ऑक्सीजन एयर होता है जिसमें सिर्फ ऑक्सीजन होता है और दूसरे गैसेस की मिलावट उसमें इतनी ज़्यादा नहीं होती जैसे आपने पहले भी हमने दिखाया आपको स्लाइड में दैट उस इंस्पायर्ड जो हम लोग अंदर सांस ले रहे होते हैं उसमें थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद होता है उसके अंदर नाइट्रोजन भी मौजूद होता है वाटर वेपर भी मौजूद होता है बट वेंटिलेटर जो होता है आर्टिफिशियल वेंटिलेटर जो होता है वो जो गैस प्रोड्यूस करके देता है जिसको पेशेंट तक पहुंचाता है वो ऑक्सीजन रिच एयर होता है उसके अंदर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होता है ठीक है तो उसको थ्रू अ ट्यूब इंसर्टेड इनटू द माउथ अप टू द विंड पाइप यानी विंड पाइप तक पूरे गले तक एपिग्लोटिस और ग्लोटिस तक वो अंदर बिल्कुल डाल देता है गले के अंदर वो घुसा देता है वेंटिलेटर के पाइप्स को ओके तो इसके कुछ पार्ट्स हैं यहाँ पे हमारे पास द फर्स्ट इज मैकेनिकल वेंटिलेटर इसके अंदर क्या होता है इसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद होता है और फिर वो जो है पंप कर रहा होता है ऑक्सीजन को स्पीड ऑफ उसके हिसाब से यानी जितना अब पहले वो मेजरमेंट कर रहा होता है कि पेशेंट्स की अपनी नेचुरल ब्रीथिंग कितनी है और उसको जो है कितनी होनी चाहिए यानी ऑफकोर्स एज के लिहाज से क्या होता है लेट्स सपोज आप ओल्ड की बात कर लेते हो ओल्ड की जो ब्रीथिंग स्पीड होती है रेट होती है वो काफ़ी हद तक स्लो होती है कंपैरेटिवली टू यंग ठीक है यानी अगर आप किसी आपके घर में कोई ओल्ड है तो आप उनका अगर आप हार्ट बीट किसी ने पे रख के आप सुनने की कोशिश करेंगे तो उनकी हार्ट बीट जो होती है क्योंकि उनकी ब्रीथिंग सिस्टम काफ़ी स्लो होता है कंपैरेटिवली तो इसी तरीके से क्या होता है कि जो यंग होते हैं उनकी काफ़ी हद तक फास्ट होती है यानी उनकी जो हार्ट होता है और लंग्स होता है वो कंपैरेटिवली हेल्दी होते हैं तो उनकी जो स्पीड होती है रेट ऑफ स्पीड नेचुरली सही होती है उनकी सो जो मैकेनिकल वेंटिलेटर होता है पहले ही सारे कैलकुलेशंस करता है उसके बाद उस हिसाब से वो एयर को ब्लो करता है उसके बाद वी हैव एंडोट्रेकियल ट्यूब ये क्या होता है एक ट्यूब होता है जो मुंह के थ्रू डायरेक्टली विंड पाइप के अंदर यानी ट्रेकिया तक पहुंचा रहे होते हैं इसलिए उसको एंडोट्रेकियल एंडो मींस इनसाइड ट्रेकियल ट्यूब यानी ट्रेकिया तक उसके अंदर तक वो ट्यूब पहुंचा रहा होता है एंड देन वी हैव नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब अब ये क्या होता है ये वाला ट्यूब जो है नोज से जाता है और माउथ तक सॉरी स्टमक तक ये पूरा जो है कनेक्शन नोज के अंदर से हम इंटर करवाते हैं उसको एंड देन स्टमक तक पहुंचा देता है एंड देन वी हैव एयर फ्लोइंग टू द पेशेंट थ्रू ए ह्यूमिडिफायर ठीक है उससे क्या होता है ह्यूमिडिफायर जो है आजकल बहुत फैशन में उसमें क्या होता है खासकर सर्दियों में क्योंकि सर्दियों के अंदर जो हमारी जो एटमॉस्फेयर होता है वो बहुत ज़्यादा ड्राई होता है तो उसके वो ह्यूमिडिफायर यानी उसको उसमें नमी पैदा करने के लिए ताकि मॉइस्चर हो ताकि स्किन भी ताकि मॉइस्चर रहे तो ह्यूमिडिफायर यूज़ करते हैं उसमें थोड़ा सा अगर आपने कभी हॉस्पिटल में ह्यूमिडिफायर देखा हो या नॉर्मल घरों में ह्यूमिडिफायर देखा हो तो वो एक थोड़ा सा बॉक्स टाइप होता है और उसमें से ऐसा लगता है कि उसमें से स्टीम निकल रहा है लेकिन वो स्टीम नहीं होता वो नॉर्मल एयर ही होता है बेसिकली लेकिन क्योंकि हमारा जो एयर होता है बहुत ज़्यादा ड्राई होता है तो उसको मॉइस्चर करता है ह्यूमिडिफाई करता है इसलिए उसको ह्यूमिडिफायर कहता है और उसमें से जो हवा निकल रही होती है वो एक्सहेल एयर फ्लोइंग होता है यानी जो भी ऑक्सीजन उन्होंने इंटर कर लिया फिर उसके बॉडी ने जो ब्रेक डाउन कर लिया उसके बाद जो उसने कार्बन डाइऑक्साइड बनाया और जो दूसरे गैसेस उन्होंने बनाए वो फिर वापस मैकेनिकल वेंटिलेटर के थ्रू वापस वो बॉडी से निकाल के वो निकाला जाए वो उसमें फिर वापस अंदर चला जाता है ओके सो आर्टिफिशियल वेंटिलेटर में क्या होता है दैट इज अ मशीन दैट वर्क्स लाइक लंग्स व्हेन द पेशेंट्स नेचुरल ब्रीथिंग बिकम्स डिफिकल्ट जब इंसान खुद सांस लेने में उसको दिक्कत हो तो हम उसको आर्टिफिशियल वेंटिलेटर में डाल देते हैं जो लंग्स की तरह काम करता है लंग्स क्या काम करता है वो ऑक्सीजन को इन करता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको आउट करता है तो बेसिकली खून को साफ करता है तो वो खून का साफ करना जो होता है वो अगर हमारा लंग सही से काम नहीं कर रहा तो वो हम आर्टिफिशियल वेंटिलेटर के थ्रू कर रहे होते हैं ओके सो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 1 रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स यानी कि रेस्पिरेशन के अंदर कौन कौन से कमी बेशी की ऐसे कौन कौन से बीमारी आ सकती हैं हमें द फर्स्ट वन इज ब्रोंकाइटिस ब्रोंकाइटिस द इन्फ्लेमेशन ऑफ एयर पैसेजवेज इज कॉल्ड स्टर्मस ब्रोंकाइटिस इन्फ्लेमेशन मतलब जलन यानी कभी कभी क्या होता है अक्सर किसी इन्फेक्शन की वजह से जो हमारा जो ब्रोंकाइट
एयर पैसेज होता है, ट्रैकिया या ब्रोंकियल्स, यहाँ पे कोई इन्फेक्शन आती है जिसकी वजह से वहाँ पे जलन होती सीने में, तो वो कहलाता है आपका ब्रोंकाइटिस। इट इज कॉज्ड आइदर बाय स्मोकिंग और बाय सम बैक्टीरिया। अब ये इन्फेक्शन कैसे हो सकता है, या तो किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या फिर क्योंकि स्मोकिंग जो करते हैं तो उसके वजह से जो टार होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, और दूसरे जो निकोटीन सब कुछ बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो उस गर्माहट उस हीट की वजह से क्या होता है कि जो हमारे ब्रोंकियल्स होते हैं या ट्रैकिया होता है वो जल जाता है। तो उस जलने की वजह से क्या होता है कि हमें ब्रोंकाइटिस की बीमारी हो जाती है। अगर तो उसमें देख सकते हैं ब्रोंकाइटिस में क्या होता है कि उसमें इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होता है कि जो हमारे जो लंग्स का वाला हिस्सा होता है, इनर जो वॉल होता है, बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है। ये नॉर्मली बहुत बड़ा होता है, यानी वाइट वाला पार्ट है, दैट शुड बी द नॉर्मल लेंथ या विथ ऑफ द लंग्स के सेल्स। यानी यहाँ पे जो होता है इनके जो ब्रोंक्योल्स होते हैं इसमें इसका नॉर्मल वॉल्स इतना पतला नहीं होना चाहिए था, लेकिन ब्रोंकाइटिस से क्या होता है कि उसमें जो है एक तरीके कह सकते हैं कि लाइक अगर स्मोकिंग कर रहे हैं तो स्मोकिंग की वजह से क्या है कि जो टार है या निकोटीन है या जैसे कोई केमिकल है वो वहाँ पे जमा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो रास्ता होता है वो बहुत पतला हो जाता है। यानी लेट्स सपोज हम ले लेते हैं जैसे एक रोड पे सिंगल पार्किंग की जगह है, लेकिन फॉर सम रीज़न डबल पार्किंग स्टार्ट हो जाती है तो गाड़ियों का आना जाना का मसला रहता है। तो वैसे ही जो केमिकल्स मौजूद होते हैं स्मोकिंग सिगरेट्स के अंदर, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो एक और लेयर तैयार कर लेता है हमारे ब्रोंकियोल्स में, और उसकी वजह से क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं वो वाला वॉल्स, तो उसकी वजह से क्या होता है म्यूकस पैदा होता है। म्यूकस क्या होता है कि क्योंकि जो है इन्फेक्शन या फिर स्मोकिंग की वजह से क्या होता है कि अंदर वाला हिस्सा जो है हमारा गले का या ब्रोंकियोल्स का बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, तो म्यूकस उसको वेट करता है। तो इसके अंदर क्या होता है, म्यूकस उसको वेट कर रहा होता है और हमारा बॉडी कुछ ज़्यादा ही वो बना रहा होता है। तो उसमें क्या होता है कि इसमें हमारे पास सिम्टम्स क्या क्या रहते हैं, द सिम्टम्स आर दैट इट्स करेक्टेड बाय कफ, बहुत ज़्यादा खांसी होती है और बहुत ड्राई खांसी होती है, यानी कि आपका पूरा जब खांसी होता है आपका गला बहुत सूखा हुआ होता है और आपको सीने में तकलीफ होती है उस वक्त, क्योंकि जलन हो रही होती है स्मोक की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से, तो कफ थोड़ा बहुत ज़्यादा दर्दनाक होता है। और इंक्रीज म्यूकस सीक्रेशन, यानी कि जो म्यूकस होता है बहुत ज़्यादा तैयार होता है। म्यूकस को अगर हम देखें, जैसे जब नज़ला ज़ुकाम होता है तो हमारी नाक जो बहती है जो थोड़ा सा गाढ़ा जो थिक कलर का, येलो कलर का या ग्रीनिश कलर का जो निकलता है, दैट इज़ द म्यूकस। तो उसकी जो सीक्रेशन होती है बहुत ज़्यादा जाती है, कुछ लोग गले से निकालते हैं, कुछ लोग नाक से निकालते हैं, बट स्टिल कि वो कफ ऑल्दो बहुत सूखा हुआ होता है, ड्राई कफ होता है, यानी आपका गला सूखा हुआ होता है, लेकिन आपकी बॉडी जो है म्यूकस बहुत बड़ी मिकदार में बना रही होती है। और क्योंकि आपके जो पाइप ब्रोंकियोल्स हैं बहुत पतले हो जाते हैं, इसमें एक डबल लेयर बन जाता है, तो आपको सांस लेने में भी बहुत शदीद तकलीफ होती है। यानी आपको बहुत आपकी तेज दिल की धड़कन बहुत तेज़ होती है, क्योंकि आपको सांस ऑक्सीजन जो है सही मिकदार में नहीं मिल रहा होता है, लेकिन आपको हल्का सा बुखार होता है। ओके, सो दिस इज ब्रोंकाइटिस। नेक्स्ट वील डिस्कस एम्फिसिमा। ओके, सो एम्फिसिमा में क्या होता है, दैट इट इज रिलेटेड टू प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ टू द एल्वोइली। अब उसमें क्या होता है कि एल्वोइली जो हमारे लंग्स के बिल्कुल सबसे अंदरूनी पार्ट होता है, यानी ट्रेकिया से ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकाई डिवाइड होता है ब्रोंक्यूल्स में, एंड हर ब्रोंक्यूल्स के एंड में बहुत सारे एल्वोइली होते हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते आते हैं। फॉर सम रीज़न ज़्यादातर ये केमिकली जो है इसमें क्या होता है रिएक्शंस के आसे जो है ये जो अल्वॉयली होते हैं जो उसके सेल्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं और वो काम करना छोड़ देते हैं। क्यों होता है, ड्यू टू लॉन्ग टर्म एक्सपोजर यूजुअली तो इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स, जो इंडस्ट्रीज हमारी चीज़ें तैयार कर रही होती हैं तो वो अपना कुछ कचरा जो होता है कुछ हवा में छोड़ देता है, कुछ कचरा वो पानी के अंदर फेंक देता है, तो वो पानी पीने से या उस एटमॉस्फेयर में सांस लेने से क्या होता है कि हमारी जो एल्वोइली होता है उसके जो सेल्स होते हैं वो मर जाते हैं और एल्वोइली अपना काम करना छोड़ देता है। अब क्योंकि आपके जो बॉडी के अंदर मिलियंस ऑफ एल्वोइली होते हैं, अगर वो आहिस्ता आहिस्ता मरना शुरू कर लें उसके सेल्स, तो आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। क्यों, क्योंकि हमने शुरू में बताया आपको कि जो रेस्पिरेशन होता है, जो ऑक्सीजन का मेन डेस्टिनेशन होता है, उसको एल्वोइली तक पहुंचना होता है, ताकि हमारे ब्लड के अंदर जो आरबीसीज के अंदर जो हेमोग्लोबिन मौजूद है वो अपने आप को एनर्जाइज यानी अपने आप को ऑक्सीडाइज कर सकें, ऑक्सीजन पहुंचा सकें। तो क्योंकि अगर एल्वोइली की मिकदार कम हो जाएगी हमारे बॉडी में तो सांस लेने में भी दिक्कत होगी, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे जो ब्लड है वो उस तक सही अमाउंट तक नहीं पहुँचा रहा होता। उसके अंदर क्या होता है, कफ्स, कफ वो देता है, उसमें भी खांसी होती है, रेस्पिरेशन की जितनी भी बीमारियां तकरीबन सबके अंदर ही कफ होता है।
एंड देन फ्लेम, फ्लेम की प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा, यानी बलगम बहुत ज़्यादा पैदा होता है। ओके उसके बाद है हमारे पास निमोनिया। निमोनिया अक्सर जो सबसे ज़्यादा आसानी से बीमारी जो हो जाती है निमोनिया की, वो ये होता है कि अक्सर लोगों को ये आदत होती है कि वो लोग खेल कूद करते हैं या मजदूरी करते हैं या फॉर सम रीज़न इतना सारा उनको पसीना पघर आ जाता है, तो उसके से क्या होता है कि वो अपना जो है वो पंखे के नीचे बैठ जाते हैं और अपना शर्ट चेंज नहीं करते। तो जब शर्ट चेंज नहीं करते, वो पसीना जो है उसमें जो बैक्टीरिया वो उसको अट्रैक्ट कर रहा होता है, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया हमारे जिस्म से चिपक जाता है उस पसीने की वजह से, उस गंदगी की वजह से, तो बैक्टीरिया हमारे बॉडी में इंटर हो जाता है और हमारे लंग्स पे वो अफेक्ट करता है। तो यानी अगर आपको बहुत सारा पसीना आ रहा हो तो बेशक आप नहाने में देरी करें ऑफकोर्स की, ताकि आपका बॉडी टेम्परेचर लो हो जाए, लेकिन सबसे पहले आपको या तो अपना शर्ट उतारना होगा या शर्ट उतार के जिसे कोई कपड़े से अपने पसीने को वाइप करना होगा। वाइप जो पसीना है उसको कभी भी पंखे के थ्रू सुखाया नहीं जाता, वरना न्यूमोनिया हो जाता है। तो इसलिए जब भी आपको बहुत सारा पसीना आए तो उसको किसी हैंडकरचीफ से या किसी टॉवल से इसको वाइप कर दिया करें, फिर बेशक आप अपना बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल लेके आ सकते हैं। सो न्यूमोनिया इट इज़ एन इन्फेक्शियस डिजीज, यानी इन्फेक्शन होता है यूजुअली कॉज बाय अ स्पेशल बैक्टीरिया, वायरसेस और फंजाई। इसकी तीन वजूहत हो सकती हैं, क्योंकि पसीना जो होता है वो डिफरेंट, वो गंदा होता है, तो वो उसकी वजह से बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स उस पर अट्रैक्ट होते हैं। बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है, वायरस की वजह से भी हो सकता है, फंजाई की वजह से भी हो सकता है। अब होता क्या है, चाहे बैक्टीरिया हो, वायरस हो या फंजाई, वो अल्वोइली को इन्फेक्ट कर देता है। इन निमोनिया द अल्वोइली आर इन्फेक्टेड, सो दे मे बी फिल्ड विद फ्लूइड और पस। अब इसमें क्या होता है कि जो अल्वोइली होता है उसके अंदर जब जो उसमें जब इन्फेक्शन हो जाता है, तो इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है कि जो अल्वोइली है उसकी जो अंदर वाली जगह जहाँ पे खाली होना चाहिए ताकि ऑक्सीजन इन और कार्बन डाइऑक्साइड आउट हो सके, वो जगह भर जाता है वाटर से, फ्लूइड से, और उसको अगर हम बायोलॉजिकली कहें तो वो पस से भर जाता है। पस क्या होता है, लेट्स सपोज आप जो है कभी कभी आप लोगों ने कभी आपका हाथ जला हो तो उसमें वो थोड़ा सा बबल टाइप का बन जाता है, तो उसके अंदर जो फीलिंग्स होती है वाटर की वो भी पस होता है। और कभी कभी अगर आपने दाना को आप निचोड़ के निकाल रहे हो तो उसमें से जो वाइट कलर का लिक्विड निकल रहा होता है वो भी पस होता है। तो क्या होता है, अल्वोइली के अंदर का हिस्सा जो होता है, इंटरनल पार्ट जो होता है, इट शुड बी एम्प्टी सो दैट ऑक्सीजन कैन बी टेकन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी गिवन आउट, मगर ड्यू टू इन्फेक्शन इट गेट्स फिल्ड विद फ्लूइड जिस कॉल एस पस। तो उसके ऐसे क्या होता है कि अल्वोइली के अंदर जब जगह नहीं होगी ऑक्सीजन अंदर लेने की, तो अगेन आपके जो अल्वोइली ये फंक्शन सही से नहीं करेगा, तो उससे क्या होगा, आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। ठीक है, द ब्रीथिंग बिकम्स डिफिकल्ट, द पेशेंट सफर फ्रॉम फीवर, कफ, चिल्ड एंड चेस्ट पेन। फीवर इसलिए होता है क्योंकि इन्फेक्शन जितने भी टाइप्स के हों, चाहे वो फंजाई के थ्रू हो, चाहे वो वायरस के थ्रू हो, चाहे बैक्टीरिया के थ्रू हो, इन्फेक्शन जब भी होगा बुखार आएगा। बुखार आने का मकसद ये होता है कि आपका जो बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, ताकि जो भी आपके ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं आपकी बॉडी के अंदर जो नहीं होने चाहिए वो मर जाते हैं। इसीलिए डायरेक्टली दवाई मत लिया करें, थोड़ा सा अपने जिस्म को काम करने दिया करें। फिर अगेन जैसे हमने शुरू में बताया आपको इसमें कि जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं, ज़्यादातर कफ होता है उसमें, क्योंकि वो रेस्पिरेशन से रिलेटेड है, तो रेस्पिरेटरी इसमें भी कफ होता है। चिल यानी कि आपको गर्मी के मौसम में भी बहुत ठंड लगेगी। ठीक है, तो यानी चिल होता है, कभी कभी क्या होता है बुखार किसी कुछ लोगों को तेज होता है तो उसके उनको ठंड लगती है गर्मियों में भी, उनको पसीने बहुत आ रहे होते हैं, तो उस वो चिल होता है। एंड उसके पास चेस्ट में पेन होता है, यानी सीने में दर्द होता है उनके। ये सब कुछ हो गया न्यूमोनिया में। एंड देन नेक्स्ट वी हैव एस्मा। एस्मा इट इज़ एन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ एयरवेज ऑफ लंग्स, यानी लंग्स की जो एयरवेज है उसमें इन्फेक्शन होता है, उसमें जलन होती है, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होता है। इट इज़ करेक्टराइज बाई शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट पेन, फीवर एंड वीजिंग साउंड ड्यूरिंग एक्सपायरेशन एंड कफ। इसमें क्या होता है कि सांस जो है वो कम लेते हैं, सीने में दर्द होता है, बुखार होता है, और जब आप सांस निकाल रहे होते हैं, जब आप कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे होते हैं, तो आपके नाक से या गले से वीजिंग सा एक अजीब सी ऐसी सीटी जैसी आवाज़ आती है और कफ होता है। एस्मा जो होता है, एस्मा अक्सर जो है वो एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है, एलर्जी की वजह से होता है। वो उसमें क्या होता है, चाहे वो पोलन ग्रेन्स की वजह से हो, मिट्टी की वजह से हो, स्मोक की वजह से हो, कुछ लोगों को जो है वो क्या कहते हैं जानवरों के बालों की वजह से भी होता है, कुछ लोगों को परिंदों से भी होता है। तो उसमें क्या होता है, अक्सर आपने देखा होगा एस्मा पेशेंट्स के पास क्या होता है, एक थोड़ा सा बॉटल टाइप का कुछ होता है जैसे वो सांस ले रहे होते हैं। उसमें क्या होता है कि उनकी जो एयरवेज होते हैं वो बंद जाते हैं, वो उसमें जो है क्या कहते हैं, हाँ ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको सांस लेने में तकलीफ होती है। तो उनको क्या होता है कि वो
है, जो बॉटल्स होते हैं वो थोड़ा सा प्रेशर डालते हैं कि जो भी रास्ता रोक रहा होता है पैसेज वे के अंदर, वो उसको धकेल के अंदर डाल देता है. ओके, सो एस्मा के अंदर ये होता है. एंड देन वी हैव लंग कैंसर. लंग कैंसर इज यूजुअली एसोसिएटेड विद स्मोकिंग. लंग कैंसर का अक्सर जो वजह होती है वो स्मोकिंग होती है. अक्सर वजह स्मोकिंग होती है, यानी कि लाजमी नहीं है. कभी कभी क्या होता है, लेट सपोज अगर आप, हमने आपको पहले भी ये बता चुके हैं कि अगर लेट सपोज आप स्मोकिंग नहीं कर रहे लेकिन आपके घर में कोई स्मोकिंग कर रहा होता है और आप उसके इर्द गिर्द रहते हैं ज़्यादा देर तक, तो जो वो गैस सिगरेट छोड़ रहा होता है और वो आप इनहेल कर रहे होते हैं तो उसके वजह से भी बीमारियाँ हो सकती हैं. तो यहाँ पर उन्होंने कह दिया कि अक्सर स्मोकिंग गैस से होता है, तो उसे वजूहत भी हो सकते हैं लाइक स्मोक, एयर पोल्यूशन, या फिर अगर आपके जो लंग्स हैं उनके अंदर सेल्स के अंदर एबनॉर्मल ग्रोथ हो. यानी कि लेट्स सपोज अगर उसको एक सेकंड के अंदर दो सेल्स बनाने हैं लेकिन वो वन सेकंड के अंदर जो है 10 सेल्स बना रहा है, एबनॉर्मल ग्रोथ कर रहा है, तो उसको भी लंग कैंसर की वजह बन सकती है. कैंसर बेसिकली यही होता है, एबनॉर्मल ग्रोथ इन सेल्स. ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जो लंग कैंसर क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो वजह है वो है ड्यू टू स्मोकिंग. लेकिन उसके अलावा धुआं जो होता है, जो गाड़ियों से, मोटर बाइक से और जो फैक्ट्री से निकल रहा होता है वो भी वजह बन सकती है. एयर पोल्यूशन जो है वो भी वजह बन सकती है. या पे फॉर सम रीज़न आपके जो सेल्स हैं वो एबनॉर्मली ग्रो कर रहे होंगे तो वो लंग कैंसर की वजह बन सकती है. अब इसमें साइन क्या है, इसमें खांसी तो होती है लेकिन खांसी करते वक्त आपका खांसते वक्त आपको ब्लड भी निकल रहा होता है, यानी खांसी के साथ साथ ब्लड भी. अक्सर आप लोगों ने ड्रामे में या मूवीज़ में देखे हुए होंगे कि कुछ लोगों को क्या होता है, खांस रहे होते हैं एंड हैंडकरचीफ में या हाथ में उनको ब्लड नज़र आ रहा होता है, तो यूजुअली दैट इज़ लंग कैंसर. और फिर उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है और उनके लंग्स में बार बार इन्फेक्शन होता है. उनको उनका वेट लॉस रहता है, उनकी जो हड्डियाँ हैं उसमें तकलीफ होती, दर्द होता है उनको, उनकी जो आवाज़ होती है बहुत भारी हो जाती है, वो काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं. कमज़ोर हम प्लीज़ पाकिस्तानी सेंस में नहीं कह रहे, पतले को नहीं कह रहे, कमज़ोर इन द सेंस कि उनको उठने बैठने में तकलीफ़ हो, बहुत स्लो काम करते हैं. एंड देन वी हैव फटीग. फटीग यानी बहुत जल्दी उनकी थकावट रहती है, वो थोड़ा सा भी काम करते हैं वो जल्दी से थक जाते हैं. तो ये तमाम चीज़ें हमारे पास लंग कैंसर्स में आते हैं. ओके, सो आपका चैप्टर नंबर 1 खत्म हो चुका है. लेट्स जस्ट रिवाइज कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा. समरी, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस रिक्वायर एक्सचेंज ऑफ गैसेस. रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस दोनों के अंदर हमें गैसेस की जरूरत होती है. रेस्पिरेशन में हम लोग ऑक्सीजन को इन करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करते हैं, जबकि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड को इन किया जाता है और ऑक्सीजन को आउट किया जाता है. रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स. दुनिया के तमाम ऑर्गेनिज्म्स के अंदर अभी तक जितने भी फाइंड हुए हैं तो उन सब के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस पाया जाता है, जबकि फोटोसिंथेसिस अकर्स इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, यानी प्लांट्स के जो हरे हिस्से होते हैं उसके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चल रहा होता है. ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज यूज एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट. रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो रहा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दिया जाता है. इन फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज एंड ऑक्सीजन इज गिवन आउट, जबकि फोटोसिंथेसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं. In terrestrial plants, most of the exchange of gases occurs through the minute openings, stomata. ज़मीन के ऊपर जो plants मौजूद होते हैं, जो terrestrial plants होते हैं, वो अपना gases exchange एक minute opening से कर रहे होते हैं. उस minute यानी tiny opening को हम कहते हैं stomata. The animals use either their body surface or some internal surface for the exchange of gases. यानी कि जो जानवर होते हैं या तो वो अपने पूरे जिस्म से सांस ले रहे होते हैं डिफ्यूजन के थ्रू, लाइक अमीबा की बात कर लेते हैं, अमीबा पूरे जिस्म से वो सांस ले रहा होता है डिफ्यूजन के थ्रू, ऑक्सीजन को ले रहा होता है, या फिर कुछ जो है वो अपने इंटरनल, उनका इंटरनल कोई ऑर्गन मौजूद होता है सांस लेने के लिए, जैसे इंसान हमारे पास लंग्स मौजूद है. रेस्पिरेटरी सरफेस के लिए ज़रूरी क्या क्या चीज़ें हैं. इट मस्ट बी थिन, उसका लेयर थिन होना चाहिए, बैट गीला होना चाहिए, इसलिए कहा जाता है. इस लंग्स आपने नोटिस किया होगा कि जब हम लोग पानी ज़्यादा तक नहीं पीते तो हमें खांसी होती है क्योंकि हमारे लंग्स है वो थोड़ा सा ड्राई अप हो जाता है. ओके, सो वेट, परमिएबल, उसमें से जो है गैसेस का इन एंड आउट होना आसानी से होना चाहिए. एंड लार्ज इन रिलेशन टू द वॉल्यूम ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिज्म की बुनियाद, उनकी जो
पूरी बॉडी की कंपेयर करेंगे तो जो रेस्पिरेटरी सरफेस है उसके अंदर सेल्स की मिकदार ज़्यादा होनी चाहिए, वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि अगर आप कंपेयर करें कि हमारे पूरी बॉडी में कितने सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, और आप लंग्स की बात करेंगे तो 20 गुना ज़्यादा आपको उसके अंदर मिलेंगे। द रेस्पिरेटरी सरफेस ऑफ मैन इज अल्वोइली प्रेजेंट इन लंग्स। जो मेन रेस्पिरेशन का प्रोसेस चल रहा होता है वो अल्वोइली के अंदर चल रहा होता है जो कि लंग्स के अंदर मौजूद होता है। बोथ लंग्स हैव मिलियंस ऑफ अल्वोइली। दोनों लंग्स के अंदर मिलियंस ऑफ अल्वोइली मौजूद होते हैं। एयर पैसेज वे लीड्स द एटमोस्फेरिक एयर टू अल्वोइली। जो हमारा ट्रैकिया होता है एयर पैसेज वे वो हवा को अल्वोइली तक पहुँचा रहा होता है। एयर पोल्यूशन कॉसेस नंबर ऑफ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। एयर पोल्यूशन की वजह से हमारे जिस्म के अंदर काफ़ी सारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होते हैं। क्लीन एयर इज एसेंशियल फॉर बेटर रेस्पिरेटरी हेल्थ। अगर हवा साफ होगी तो हमारे अंदर बीमारियाँ कम होंगी रेस्पिरेशन से रिलेटेड, और तो यानी कि हमें साफ हवा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दैट वॉज द समरी। उसके बाद यू हैव द एक्सरसाइजेस, वो आप लोगों को करने होंगे खुद ही। वी हैव 10 MCQs एंड 10 शॉर्ट आंसर्स एंड 5 लॉन्ग आंसर्स। सो अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।